हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया हम पढ़ रहे हैं आपके एन क्लास ई मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर वन नंबर्स एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी द एक्सरसाइज 1.3 गिवन इन पेज नंबर 23 ऑफ योर टेक्स्ट बुक द वीडियो लिंक्स फॉर द अदर पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और यू कैन सी द प्ले सेक्शन ऑफ क्लास मैथमेटिक्स इन मिन्टॉक इंडिया चैनल बिफोर वी स्टार्ट आवर सेशन this is a small introduction about me so let us start question number 1 estimate each of the following using general rule number a 730 plus 998 the first step is separately you have to round it off to their nearest hundreds so observe the tens place and the hundreds place this number is 3 less than 5 so द डिजिट इन द लेफ्ट साइड कोई फर्क नहीं पड़ेगा इट विल बी एज इट इज सेवन एंड देन फॉलोड बाई द टू जीरोज सो दंबर आफ्टर राउंडिंग ऑफ बिकम्स सेवन हंड्रेड लेट इस टेंस एंड हंड्रेड्स द डिजिट इन देंस प्लेस इज मोर देन फाइव सो द डिजिट इन द हंड्रेड्स प्लेस विल बी वन ग्रेटर वी हैव टू राइट दैट इज नाइन प्लस वन इज टेन उसके बाद बाकी जो दो प्लेस बचते हैं उनके जगह पे जीरो दैन You have to do add, we can add it mentally also. 1000 plus 700, it becomes 1700. So, this is your estimated addition answer. Question number B 796 minus 314. So, observe the digits in the tens and the hundreds place. Tens place, pe jo digit have is 5 is 0. तो हंड्रेड्स प्लेस पे जो डिजिट होगा उसे भी वन ज्यादा करके लिखना है सो सेवन प्लस बाई द टू प्लेसेस दैट इज जीरो जीरो राउंड ऑफ करके बना एट हंड्रेड दिस नंबर इज थ्री हंड्रेड फोर्टीन ऑब्जर्व द डिजिट इन द टेंस एंड द हंड्रेड प्लेस डिजिट एट द टेंस प्लेस इज लेस देन फाइव तो डिजिट इन द प्लेस कोई फर्क नहीं पड़ेगा वी विल राइट थ्री फॉलोड बाई द टू जीरोज इन द टू नेक्स्ट प्लेसेस

12,904 है थोड़े से कुछ और नंबर्स ऐड कर देंगे तो ये 900 1000 प्लेस पे चला जाएगा दैट मीन वी कैन राउंड ऑफ दिस होल नंबर टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स 12,000 का नेटीन थाउजेंड होता है तो राउंड ऑफ करके क्या बना 13,000 बन गया वेरी इजी नाउ दिस नंबर 2,888। अगर हम हंड्रेड और थाउजेंड प्लेस को भी ऑब्जर्व करें तो हम देखेंगे हंड्रेड प्लेस का डिजिट फाइव से ज्यादा है

और बाकी जो तीन जगह बचते थे उनके जगह पे जीरो एंड टू को हम एज इट इज लिख देंगे डिजिट, वी हैव टू अगेन ऑब्जर्व द हंड्रेड्स एंड द थाउजेंड्स प्लेस द डिजिट एट द हंड्रेड्स प्लेस इज लेस देन फाइव सो द डिजिट एट द थाउजेंड्स प्लेस वी विल मेक नो चेंज वी विल राइट वन और बाकी जो राइट right साइड के नंबर्स हैं उनके जगह पे जीरो और लेफ्ट साइड जो भी नंबर है उनको हम एज इट इज लिखेंगे तो राउंड ऑफ करने के बाद कितना बना 28000 एंड 21000 दिस वी कैन मेंटली ओनली सबट्रैक्ट 28 से 21 अगर हम सबट्रैक्ट करेंगे तो 7 आ जाएगा है ना एंड बिकॉज़ दिस नंबर इज इन थाउजेंड्स सो आई हैव एडेड थ्री मोर जीरोस माय आंसर इज एस्टिमेटेड आंसर इज 7000 आंसर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 रफ एस्टिमेशन रफ एस्टिमेशन का मतलब है राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स एंड ऑल्सो अ क्लोजर एस्टिमेशन क्लोजर एस्टिमेशन का मतलब है राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट ऑफ टें फॉलोइंग एडिशन्स एंड सब्ट्रैक्शन एस्टिमेशन का मतलब तो हुआ कि हमारा जो एडिशन सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लीकेशन है उसके करेक्ट आंसर का एक आइडिया बता देना कि लगभग लगभग इतना आंसर हो सकता है रफ एस्टिमेशन का मतलब है कि हमारे करेक्ट आंसर के हम थोड़ा बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे तो भी चलेगा दैट इज वी आर राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स जबकि क्लोजर एस्टिमेशन का मतलब है कि हमारा जो करेक्ट आंसर है उसके हमें जितना नज़दीक पहुंचा जा सके उतना नज़दीक हमें पहुंचना है डू यू रिमेंबर इन पेज नंबर ट्वेंटी वन हमने ये लाइन्स पढ़ी थी देर आर नो रिजिट रूल्स वेन यू वॉन्ट टू एस्टिमेट बट इट डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी का मतलब हमें हमारे करेक्ट आंसर के कितना नज़दीक एस्टिमेशन करना है अगर बहुत ही पास में क्लोज एस्टिमेशन करना है तो हम नियरेस्ट पे राउंड ऑफ करेंगे और अगर थोड़ा लगभग लगभग थोड़ा दूर का एस्टिमेशन करेंगे तो भी चलेगा तो हम नियरेस्ट हंड्रेड्स पे ही राउंड ऑफ करेंगे सो क्वेश्चन नंबर टू ए इज दैट इज 439 हंड्रेड थर्टी नाइन प्लस थ्री प्लस फोर अब हमें इन तीनों नंबर्स को अलग अलग राउंड ऑफ करना है फर्स्ट वी विल डू रफ एस्टिमेशन दैट इज राउंडिंग ऑफ टू दियरेस्ट हंड्रेड फोर हंड्रेड थर्टी नाइन इज अ थ्री डिजिट नंबर तो हम इसे मेंटली कर सकते हैं फोर हंड्रेड थर्टी नाइन इज लेस देन फोर हंड्रेड फिफ्टी सो फोर हंड्रेड थर्टी नाइन इज क्लोजर टू फोर हंड्रेड वैसे ही थ्री हंड्रेड थर्टी फोर जो है वो 350 से कम है इसका मतलब 334 को राउंड ऑफ करके हम 300 लिख सकते हैं this number is a four digit number so we will observe the tens and the hundreds place like this tens place ka digit 5 se chota hai to hundreds place ke digit pe koi fark nahi padega we will write the 3 as it is followed by the two zeros and then jo left side wala four hai wo as it is likh dena hai अब इतना करके अब बाकी का addition mentally करने की कोशिश कीजिए Now see, 400 प्लस 300 कितना होगा 4 प्लस थ्री सेवन सो so, 400 प्लस 300 700 होगा अब 700 में यहाँ पे जो हंड्रेड्स नंबर है इसे ऐड कीजिए 700 प्लस 300 कितना होगा 800, 900 प्लस 100 यानी कि 1000 बन जाएगा और जैसे ही 1000 बन जाएगा 1000 हम कहाँ कैरी फॉरवर्ड करते हैं 1000 प्लेस के डिजिट पे कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो 4000 प्लस वन मोर 1000 कितना होगा फाइव थाउजेंड होगा सो फाइव थाउजेंड इज योर एस्टिमेटेड एंसर लाइक दिस यू कैन डू द एडिशन मेंटली नाउ वी विल डू क्लोजर एस्टिमेशन दैट इज राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस नियरेस्ट टेंस पे एस्टिमेशन मीन्स टेंस एंड द दस डिजिट द डिजिट एट द प्लेस इज ग्रेटर देन फाइव तो टेंस प्लेस का डिजिट भी ग्रेटर करके लिखना है दैट इज थ्री प्लस वन फोर यहाँ पे जीरो और लेफ्ट साइड का नंबर एज इट इज नेक्स्ट इज थ्री हंड्रेड थर्टी फोर ऑब्जर्व द डिजिट एट द वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस थ्री हंड्रेड थर्टी फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड सेवनटीन ऑब्जर्व द डिजिट एट द वंस एंड द प्लेस सेवनटीन सेवन जो है वो फाइव से ग्रेटर है तो राउंड ऑफ करके बना 17 का ट्वेंटी No, we will add all the, हम सबसे पहले क्या करते हैं वंस प्लेस वाले डिजिट को एड करते हैं ना सो so, हम एक वंस प्लेस वाले डिजिट को टिक मार्क लगाएंगे और एड करते जाएंगे सो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो क्या होता है जीरो होता है देन टेंस का डिजिट टू प्लस थ्री होता है फाइव फाइव प्लस फोर होता है नाइन देन ऑब्जर्व द हंड्रेड प्लेस डिजिट थ्री प्लस थ्री इज सिक्स सिक्स प्लस फोर टेन होता है तो टेन का हम जीरो लिखते हैं और वन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं वन कहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होता है जो फोर्थ प्लेस यानी कि थाउजेंड प्लेस का डिजिट होता है वहां पे ऊपर हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं उसके बाद हम ऐड करते हैं फोर प्लस वन इज फाइव सो आवर एस्टिमेटेड आंसर आफ्टर दिस एडिशन इज फाइव थाउजेंड नाइनटी सो लाइक दिस वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर बी दैट इज वन लैक

seven thousand six नाउ टू to subtract काइंड ऑफ बिग नंबर्स यू कैन नॉट डू इट मेंटली उसके लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है दैट इज why हम इसे ऊपर नीचे लिख के कॉलम वाइज सब्ट्रैक्ट करेंगे ज़ीरो में से ज़ीरो माइनस जीरो जीरो में से ज़ीरो माइनस ज़ीरो सेवन में से सिक्स माइनस वन एट में से से सेवन माइनस वन देन जीरो में से फोर माइनस नहीं होता हम इसे मेंटली टेन मान लेंगे तो टेन में से फोर माइनस सिक्स होगा एंड देन दिस वन विल कम डाउन और फिर वन में से इस वन को माइनस करके होता है ज़ीरो सो अवर आंसर इज सिक्सटी वन थाउजेंड वन हंड्रेड इज द रफ एस्टीमेशन नाउ वी विल डू the closer estimation that is rounding off to the nearest tens so we will observe only the tens and the ones place the digit at the ones place is less than 5 so the digit at the tens place no change then this number the digit at the ones place is more than 5 so the digit at the tens place will be 9 plus 1 that is 10 10 ka hum zero likhenge और वन कहाँ जाएगा वन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा यहाँ पे सो फाइव विल बिकम सिक्स नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट दिस नंबर विद द बिगर नंबर जीरो में से जीरो सब्ट्रैक्ट जीरो थ्री में से जीरो सब्ट्रैक्ट थ्री सेवन में से सिक्स सब्ट्रैक्ट वन एट में से सेवन सब्ट्रैक्ट वन अगेन जीरो में से फोर सब्ट्रैक्ट नहीं होता जीरो को हम मेंटली टेन मानेंगे टेन में से फोर सब्ट्रैक्ट बचा सिक्स एंड देन ये वाला वन में नीचे आके वन बनेगा एंड देन वन में से ये वाला वन माइनस जीरो होगा तो हमारा एस्टिमेटेड आंसर आया सिक्सटी वन थाउजेंड वन हंड्रेड थर्टी आफ्टर राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर डी द नंबर आर फोर लैख एटी नाइन थाउजेंड थ्री हंड्रेड फोर्टी एट में से सब करना है फोर्टी एट थाउजेंड थ्री हंड्रेड सिक्सटी फाइव फर्स्ट वी विल डू रफ एस्टिमेशन दैट इज राउंड ऑफ टू दियरेस्ट हंड्रेड हंड्रेड्स पे राउंड ऑफ मतलब ध्यान सिर्फ हंड्रेड्स प्लेस एंड प्लेस पे होगा द डिजिट एट द्लेस इज लेस दैन फाइव सो द डिजिट एट दंड प्लेस नो चेंज हेयर ऑल्सो ध्यान सिर्फ टेंस और हंड्रेड्स प्लेस पे ही द डिजिट एट द्लेस इज मोर देन फाइव सो द डिजिट एट दंड्रेड्स प्लेस विल बी वन मोर दैट इज थ्री प्लस वन फोर द सब्ट्रैक्शन जीरो में से ज़ीरो माइनस जीरो जीरो में से ज़ीरो माइनस जीरो थ्री में से फोर माइनस नहीं होता थ्री को हम मेंटली थर्टीन मानेंगे थर्टी में से फोर माइनस देट इज़ नाइन नाउ दिस वन विल कम डाउन एट प्लस वन नाइन होता है देन ऊपर के नाइन में से ये वाला नाइन माइनस नाइन में से नाइन माइनस जीरो एट में से फोर माइनस फोर एंड देन ये वाला फोर एज इट इज़ तो हमारा नंबर कितना आया कॉमा लगाने के बाद फोर लैक फोर्टी थाउजेंड नाइन हंड्रेड इज द रफ एस्टिमेटेड एंसर नाउ वी विल डू क्लोजर एस्टिमेशन दैट इज सराउंड ऑफ टू नियरस्ट टेंस वी विल ऑब्जर्व ओनली टेंस एन दंस प्लेस डिजिट एट द्लेस इज ग्रेटर दैन फाइव सो द डिजिट एट द्लेस वी विल राइट वन ग्रेटर फोर प्लस वन फाइव होता है ना दिस वन द डिजिट एट द्लेस इज फाइव सो द डिजिट एट देंथ प्लेस हम ग्रेटर करके लिखेंगे सो सिक्स प्लस वन इज सेवन अब हमें इसको सप्ट्रैक्ट करना है इस बड़े वाले नंबर में से ज़ीरो में से ज़ीरो माइनस ज़ीरो फाइव में से सेवन माइनस नहीं होता हम इसे मेंटली फिफ्टीन मानेंगे फिफ्टीन में से सेवन माइनस बिकम्स एट नाउ दिस वन विल कम डाउन और उसे हम थ्री के साथ ऐड करेंगे थ्री प्लस वन फोर होता है फोर थ्री में से सप्ट्रैक्ट नहीं होता हम फिर से थ्री को थर्टीन मानेंगे मेंटली और थर्टीन में से फोर को सप्ट्रैक्ट करेंगे होगा नाइन देन अगेन वन विल कम डाउन एट प्लस वन नाइन होगा और ऊपर वाले नाइन में से हमें नीचे वाले नाइन को सब करना है नाइन में से नाइन माइनस जीरो एट में से फोर माइनस फोर होता है और ये वाला फोर एज इट इज सो आवर नंबर बिकम्स फोर लैख फोर्टी थाउजेंड नाइन हंड्रेड एट्टी इज द क्लोज एस्टिमेटेड आंसर आवर क्वेश्चन नंबर सी इज एट थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फाइव माइनस फोर हंड्रेड नाइन्टी वन

इसे हमें सब करना है इस नंबर में से जीरो में से जीरो माइनस जीरो जीरो में से जीरो माइनस जीरो थ्री में से फाइव माइनस नहीं होता मेंटली हम इसको थर्टीन मानेंगे थर्टीन में से फाइव माइनस दैट इज एट एंड देन विल कम डाउन एट में से ये वाला वन माइनस होगा सेवन सो आवर एस्टिमेटेड रफ एस्टिमेटेड आंसर इज सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड नाउ वी विल डू क्लोजर एस्टिमेशन दैट इज राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस ऑब्जर्व द डिजिट एट द टेंस एंड द वंस प्लेस द डिजिट एट दस प्लेस इज फाइव सो डिजिट एट द टेंस प्लेस हमें एक बढ़ा के लिखना है टू प्लस वन इज थ्री उसके बाद राइट right साइड में जीरो लेफ्ट साइड में डिजिट एज इट इज़ सेम हियर ऑल्सो ऑब्जर्व द डिजिट एट देंस एंड द वंस प्लेस डिजिट एट दंस प्लेस इज ग्रेट डिजिट एट दंस प्लेस इज लेसर देन फाइव सो डिजिट एट द टेंस प्लेस कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा नाइन राइट right साइड में जीरो लिख देंगे लेफ्ट साइड में नंबर फोर एज इट इज़ अब इसको हमें करना है सब्ट्रैक्ट ज़ीरो में से जीरो माइनस जीरो थ्री में से नाइन माइनस नहीं होता हम इसे मेंटली थर्टीन मानेंगे थर्टीन माइनस नाइन दैट इज़ फोर उसके बाद वन आ जाएगा नीचे फोर प्लस वन इज फाइव फाइव को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे थ्री में से थ्री में से तो नहीं होगा हम फिर से इसको थर्टीन मानेंगे अब थर्टीन में से हम फाइव माइनस करेंगे क्या होगा एट होगा देन दिस वन विल कम डाउन उसके बाद हम एट में से इस वन को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास सेवन आएगा सो आवर क्लोज एस्टिमेटेड आंसर इज सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड फोर्टी उसके बाद लिखा है मेक फोर मोर सच एग्जाम्पल सो दैट यू कैन डू बाई योर सेफ ओनली वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ द गिवेन नंबर्स नंबर ए

सेवेंटी एट इज मोर देन फिफ्टी यानी कि अगर मैं इस फाइव हंड्रेड सेवेंटी एट को एज अ होल देखूंगी ये कौन से हंड्रेड के ज़्यादा नज़दीक होगा ये फाइव हंड्रेड के ज़्यादा नज़दीक है या फिर नेक्स्ट हंड्रेड सिक्स हंड्रेड के ज्यादा नज़दीक है ऑब्वियसली दिस नंबर इज क्लोजर टू सिक्स हंड्रेड तो हम इसे राउंड ऑफ करके सिक्स हंड्रेड ही मानेंगे सिमिलरली सी दिस नंबर एज अ होल वन हंड्रेड सिक्सटी वन सिक्सटी वन को देख के मुझे लगता है कि ये फिफ्टी से ज्यादा है मतलब कि ये जो पूरा नंबर है 161 इज क्लोजर टू द नेक्स्ट हंड्रेड दैट इज 200 है कि नहीं ये ऐसे आप लीजिए कि 161 जो है वो हंड्रेड के ज्यादा क्लोज है कि 200 के द नंबर इज क्लोजर टू 200 तो इसीलिए इस नंबर को हम 200 पे रफली एस्टिमेट कर सकते हैं नाउ इट इज वेरी इजी फॉर अस टू मल्टीप्लाई सिक्स टू जा ट्वेल्व और उसके बाद एक दो तीन चार जीरो सो वी विल राइट वन टू थ्री फोर जीरो सो आवर आंसर इज वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड विल बी द रफ एस्टिमेशन जब हम इन दोनों नंबर्स को एक्चुअली में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके लगभग लगभग इस नंबर के नजदीक आएगा आंसर लेट अस सी द नेक्स्ट नंबर लेट अस सी क्वेश्चन नंबर बी अब हमने एस्टीमेशन के इतने सारे राउंडिंग ऑफ कर लिए हैं कि अब आप डायरेक्टली किसी भी नंबर को देख के ट्राई कर सकते हैं उसे राउंड ऑफ करने की सो सी दिस नंबर 5281 सो इफ आई राउंड ऑफ द होल नंबर 5281 तो ये होल नंबर पूरा नंबर जो है ये 5000 के ज्यादा नजदीक आएगा है ना सो वी विल राउंड इट ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 दैट इज 5000 एट दिस नंबर थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड नाइन्टी वन इस नंबर को देख के ऐसा लगता है फोर हंड्रेड नाइन्टी वन कि कुछ और नंबर ऐड हो जाते तो आराम से ये फाइव हंड्रेड तक पहुँच जाता देट मीन्स दिस नंबर इज क्लोजर टू फाइव हंड्रेड तो हम इस पूरे नंबर को थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड नाइन्टी वन नंबर को कैसे राउंड ऑफ कर सकते हैं थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड लिख के राउंड ऑफ कर सकते हैं अब हमारे लिए इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन बहुत ईजी है थर्टी फाइव फाइव ज़ा आप आराम से कर सकते हैं मान लीजिए आप इस फाइव को इस फाइव के नीचे बिठाते हैं तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव टू कैरी फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन फिफ्टीन प्लस टू सेवनटीन होता है और उसके बाद एक दो तीन चार पाँच ज़ीरो सो वन टू थ्री फोर एंड फाइव जीरोस उसके बाद कॉमा लगा देंगे क्या नंबर बना

करने की कोशिश करेंगे तो 1000 नंबर आएगा लेकिन मल्टीप्लाई करने के टाइम एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लीकेशन मतलब ये मल्टीप्लाई करके गुणा करके बढ़ जाता है तो हम इतना दूर का एस्टिमेशन नहीं कर सकते हमें थोड़ा और क्लोज एस्टिमेशन करना पड़ेगा हमें नियरेस्ट हंड्रेड्स का एस्टिमेशन करना पड़ेगा सो इफ यू ऑब्जर्व द हंड्रेड्स वाला नंबर दैट इज 291 291 किसके ज्यादा क्लोज है कुछ और नंबर ऐड हो जाएंगे तो 300 बन जाएगा है ना सो so, 291 हंड्रेड नाइन्टी इज क्लोजर टू थ्री तो ये पूरा नंबर को अगर हम राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो कैसे होगा 1300 इसका एस्टिमेटेड नंबर है राउंड ऑफ नंबर है सो so, 1300 नंबर बनेगा इसी नंबर को राउंड ऑफ करने के बाद अब इसको राउंड ऑफ करते हैं 592 ये 92 टू देख के क्या फील होता है ये 92 देख के ये फील होता है कि कुछ और नंबर ऐड हो जाएंगे तो आराम से 592 600 बन सकता है कुछ ही नंबर्स के साथ तो यही हुआ 600 राउंड ऑफ करने के बाद तो नाउ यू कैन मल्टीप्लाई 1300 एंड 600 आई होप यू नो द 13 टेबल 13 सिक्स सेवेंटी एट होता है इक्वल टू लगा के देन दो जीरो यहाँ पे दो जीरो यहाँ पे टोटल फोर जीरो वन टू थ्री फोर कॉमा लगा देते हैं सेवन लैख एटी थाउजेंड इज द रफ एस्टिमेटेड प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स हेयर लेट क्वेश्चन. नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी नाइन नाउ सी दिस नंबर नाइन थाउजेंड को अगर मैं अलग रख लू और टू हंड्रेड फिफ्टी को अलग देखूँ टू हंड्रेड फिफ्टी में मैं फिफ्टी और ऐड कर दूंगी तो थ्री हंड्रेड बन जाएगा है ना सो आई कैन सी दैट टू हंड्रेड फिफ्टी इज क्लोजर टू थ्री हंड्रेड तो इस पूरे नंबर को मैं नियरेस्ट हंड्रेड्स पे राउंड ऑफ करती हूँ तो नंबर मेरा क्या बनेगा नाइन थाउजेंड थ्री हंड्रेड उसे मल्टीप्लाई करेंगे ट्वेंटी नाइन के साथ मल्टीप्लाई मुश्किल होता है तो इसको भी राउंड ऑफ़ करना है ट्वेंटी नाइन को अगर मैं एक और ऐड कर दूँ प्लस वन तो किसके नज़दीक होगा थर्टी बन जाएगा आराम से ट्वेंटी नाइन कैन बी राउंडेड ऑफ टू थर्टी वेरी इजिली नाउ वी कैन मल्टीप्लाई नाइन थ्री थ्री एंड थ्री फर्स्ट आप ये थ्री को अगर इस थ्री के नीचे मेंटली इमेजिन करेंगे तो कैसे होगा नंबर थ्री 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 सेवन टू हंड्रेड सेवेंटी होगा उसके बाद जीरो कितने बचे तीन जीरो बचे नाउ पुट द कॉमा आवर एस्टिमेटेड प्रोडक्ट इज टू लैख सेवेंटी थाउजेंड सो दैट ऑल फॉर वीडियो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी यूजिंग ब्रैकेट्स गिवन इन पेज नंबर ट्वेंटी थ्री followed by some try these questions so stay tuned we will meet very soon thank you very much and god bless you all thanks for watching and do like share subscribe our channel mint talk india for more upcoming videos